हमारे माता जी के नाम से थी और अभी 20 साल के बाद से उसको निकाला जा रहा है विद्या से जी और गायत्री जी हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग जगह पर दरख्वास्त दे रही है, उनके बच्चे आके आए दिन हमारे घरों पर धमकाते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं और इसी की समस्या को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या तो है ना कि वहाँ समस्या का समाधान निकाला जाएगा जल्द से जल्द। ये गायत्री सिंह कौन है और विद्यावती सिंह कौन है? ये प्रभावित हैं, एक माफिया टाइप की हैं जो हमें फंसाने की कोशिश करी जा रहा है, मुझसे गलत तरीके से जमीन लेने की कोशिश कर रही है। जबकि ज़मीन आपकी है जी और हमारे पास उसका पूरा प्रूफ है, एविडेंस है हमारे पास, फिर भी वो फंसाने की कोशिश कर रही है। विनोद सिंह आपके ऊपर आरोप लगाए हैं गायत्री सिंह या मुख्तार के आदमी को परेशान करें, क्या मामला है? हम लोग मुख्तार से कोई मतलब लेना देना नहीं है, गायत्री सिंह और क्या नाम है विद्यावती सिंह जानबूझ के हम लोगों को फंसाने के लिए कमलेश सिंह, विनोद सिंह और शैलेश सिंह के नाम से दरख्वास्त डाली है कि लोग मुख्तार गैंग से जुड़े हैं, घुमाफिया हैं, लोग जमीन कब्जा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग मुख्तार विधायक से कभी जुड़े भी नहीं, ना कोई मतलब है, हम लोग अपना धंधा पानी करते हैं, झूठे मूठे हम लोग केस में फंसाया जा रहा है। किसी से न्यायिक गए मिले हैं? किससे मिले हैं? हम लोग रजिस्ट्रार साहब से मिले, इसके बाद सीआरओ साहब से मिले हैं अभी। क्या आश्वासन मिला भाई? एडिशनल साहब ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कराते हैं, किसी कहने पे थोड़े हो जाएगा कि मुख्तार के आप आदमी हैं। अच्छा, क्या लगता है कि गायत्री सिंह और विद्यावती सिंह आपके पीछे क्यों पड़े हैं लोग? एक हम लोग जमीन लिए हैं जी 20 साल पहले की, 20 साल तक पहले कोई बाउंड्री हमारी थी, न कोई आया न गया, हम लोग बाउंड्री तोड़ दी गई जी। बाउंड्री फिर हम लोग कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब के आदेश पे कोतवाल साहब ने बाउंड्री को जुड़वा दिया, तो वह बार बार अभी कह रहे हैं कि कोतवाल साहब की मिली भगत से ही लोग बाउंड्री जुड़वा लिए। ये बच्चियां आई थी, इनका कहना है कि कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं और वो कुछ लोग ऐसे लोगों की शिकायतें कर रही थी जो बार बार उनके खिलाफ अप्लीकेशन देके उनको परेशान करते हैं। इस संबंध में हमने जांच SSO कोतवाली और ICOP न्यायालय परिषद को दे दिया, जांच आने के बाद जो ड्यू कार्रवाई होगी हो जाए। सर किसी गायत्री अभी इसकी जांच के लिए दिया गया, नाम आने से कुछ नहीं होता जी, अगर जो जांच आएगी उस हिसाब से करेंगे।